दोस्तों आप जानते हैं कि Xiaomi ने कुछ दिन पहले ही इंडिया में अपना नया स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है और वो फ्लैश सेल भी बिक रहा है। मतलब 2 सेल अभी हो चुका है और यहाँ पर 10-20 सेकंड में ही आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है। जो मी टीवी लॉन्च किया गया है Xiaomi के द्वारा पिछले कुछ दिन पहले ही, यहाँ पर 14 फरवरी को ही लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर Xiaomi अपना एक नया टीवी इंडिया में फिर से लॉन्च करने वाला है और जो उसका प्राइस टैग होगा इस बार काफ़ी किलर होने वाला है। वो तो लॉन्च हुआ था, आपको पता होगा कि लगभग 40,000 में आपको मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पर जो नया टीवी आने वाला है वो उसका प्राइस जो है काफी किलर होने वाला है। वो दोस्तों आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कौन सा टीवी यहाँ पर लॉन्च होने वाला है और कब लॉन्च होने वाला है और दोस्तों क्या टीवी के साथ कुछ और यहाँ पर लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों जानने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव, आप देख रहे हैं यहां एवरीथिंग। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी एक्साइटिंग न्यूज़ को आप मिस ना कर पाएं। अब दोस्तों बात करेंगे Xiaomi ने जो लॉन्च यहाँ पर करना है कुछ दिन बाद, यानी लगभग आज से एक वीक बाद, यानी हो सकता है कि 14 मार्च को या उससे पहले भी या 15 मार्च को Xiaomi अपना नया टीवी इंडिया में लॉन्च कर सकता है और जिसका नाम होगा मी टीवी 4A। जी हाँ, इस बार आपको 4A यहाँ पर लगा दिखाई देगा नाम में, मी टीवी 4A। वैसे दोस्तों ये चाइना में लॉन्च हो चुका है लेकिन अब यहाँ पर इंडिया में ये लॉन्च होना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अब यहाँ पर इंडिया में जितने भी माइक्रोमैक्स, ओनिडा, LG, सोनी, जितने भी यहाँ पर 32 इंच के टीवी यहाँ पर मिल रहे हैं विदाउट स्मार्ट टीवी, आपको लगभग यहाँ पर 10,000 से 15,000 के भीतर में आपको बहुत सारे टीवी मिल जाएंगे, लेकिन इस बार यहाँ पर जो Xiaomi यहाँ पर करने वाला है वो कोई नहीं कर पाएगा। दोस्तों यहाँ पर Xiaomi दो यहाँ पर कैटेगरी में टीवी लॉन्च करेगा, एक 32 इंच का करेगा और एक 43 इंच का करेगा। दोस्तों दोनों टीवी यहाँ पर स्मार्ट टीवी होगा और डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन उतना पतला नहीं मिलेगा जो यहाँ पर रिसेंटली लॉन्च किया वैसा आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा। और दोस्तों बता दूं कि इसमें आपको वही आपको जो यहाँ पर Xiaomi का मी टीवी 4 में मिलता है वही सेम यहाँ पर पैच OS मिलेगा। जो यहाँ पर 32 इंच वाला होगा उसमें आपको 1 GB का रैम और 4 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और जो यहाँ पर 43 इंच का होगा उसमें आपको 2 GB रैम और 8 GB इंटरनल स्टोरेज मिल सकता है। दोस्तों बाकी आपको सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सब वही कुछ मिलेगा, स्मार्ट टीवी होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो 32 इंच का टीवी होगा वो उसमें आपको 720 वाला डिस्प्ले मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा डिस्प्ले होगा। वहीं आपको 43 इंच वाला टीवी जो होगा उसमें आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ब्लूटूथ मिल जाएगा, वाईफाई मिल जाएगा यहाँ पर। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें यहाँ पर प्राइस कितना होगा, तो दोस्तों जो 32 इंच का यहाँ पर टीवी है उसका प्राइस यहाँ पर निकल कर आया है लगभग आपको 12,999 में आपको ये 32 इंच वाला मिल सकता है और जो 43 इंच वाला टीवी है वो आपको लगभग यहाँ पर 22,000 में मिल सकता है। तो ये दोनों टीवी यहाँ पर इंडिया में Xiaomi का लॉन्च हो सकता है और जल्द ही लॉन्च हो सकता है, यहाँ पर 7 से 8 दिन में यहाँ पर इंडिया में लॉन्च हो सकता है, एक 12,999 में और एक यहाँ पर 22,000 तक में आपको लॉन्च हो सकता है। आपको यहाँ पर एक स्मार्ट टीवी यहाँ पर Xiaomi की तरफ से मिलने वाला है 12-13,000 में, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर माना जा रहा है और काफ़ी अच्छा फीचर के साथ आने वाला है। अगर दोस्तों आप एक टीवी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप 10 दिन रुक जाइए, आपको यहाँ पर नया टीवी यहाँ पर इंडिया में मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्वालिटी के साथ आपको मिलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे क्या इसके साथ कुछ और यहाँ पर लॉन्च हो सकता है। दोस्तों मुझे लगता है कि इसके साथ एक स्मार्टफोन भी लॉन्च हो सकता है लेकिन ये कंफर्म मैं नहीं बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि Redmi का 5 यहाँ पर इंडिया में लॉन्च हो सकता है, हो सकता है Xiaomi इसे डिले कर दे एक मंथ, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी इंडिया में Redmi 5 यहाँ पर लॉन्च हो सकता है जो कि Redmi 4 का सक्सेसर होगा। अब यहाँ पर Redmi 5 जल्द ही इंडिया में आने वाला है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर और न्यूज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा आपको ऐसा न्यूज़ देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।